हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी। खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको किनारे पर मूवी के बारे में बताती हूँ। एनेट द 2001 की अपराहिक फिल्म है, जिसे जॉनी कारिन द्वारा सहलिखित और निर्देशित किया गया है। और इसमें श्लेनिन विर्जल ट्रेफल वैसी, जोथन जैक्सन और स्टीफन री ने अभिनय किया है। नाटक एक आत्महत्या युवक है, डेवलिन मनोरोग अस्पताल में उसके रहने की कहानी कहता है, जहां उनकी मुलाकात नए दोस्तों से होती है जो उसके जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। निर्देशित जॉनी कॉनर द्वारा लिखित जॉनी एनी आर्थक्लिप्टी एंथ्री लेपन जीमा श्रेडिनर अभिनीति श्रेणी मफर ट्रेफियर ब्रेसी जॉनत जैक्सन स्टीफरी प्रोड्यूसर कंपनी एलेशी किंची प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा वितरित योनिक फेकोस योनिक वर्स स्टूडियोज होगन वीडियोस रिलीज की तारीख 2001 कार्यकारी समय 86 मिनट बोली अंग्रेजी 24 घंटे के अंतराल के भीतर जोथन ब्रेजी मैफ्री अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होती है ऊंची हो जाता है एक कार चुराता है किसी और की प्रेमिका को उठाता है और उसे सड़क के किनारे फेंक देता है और फिर खुद को एक चट्टान से हटा देता है। एक टूटी हुई उंगली से ज़्यादा कुछ नहीं झेलने के कारण उसे या तो जेल में एक जादू का सामना करना पड़ता है या एक मनोरोग अस्पताल में रहना पड़ता है। वह खुद को डग फेगर रिगाओ की देखरेख में रखता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह वहां छुट्टी मांगने आया है मूल्यांकन के लिए नहीं, लेकिन जैसा कि जोशन अग्नी से डॉक्टर फिकर के थेपरे स्त्रों में भाग लेने के लिए सहमत होता है और साथ ही रोगियो रेचल वैसी और टेवी जैक्सन के संपर्क में आता है, वह जीवन पर अपने दृष्टिकोण पर पुनर्जीवित करना शुरू कर देता है। जोनथनी ब्रेची 19 साल का है जब उसके पिता खुद को मौत के घाट उतार देते हैं। एक ग्राम कोवली के साथ एक रात के बाद एक रात
आदमी की प्रेमिका और पहले से ही परिवर्तन चोरी, वह अपने पिता की राख लेने के लिए सुबह 5 बजे अपने बड़े भाई मिकल फाइल हिक्की के घर जाता है। पिछली सीट पर कलश के साथ वह फिर आत्मघाती अभियान पर चला जाता है। अस्पताल में जागने के बाद उसे एक वकील दिहाई देता है। चोरी की कार या मानसिक स्थापन के लिए जेल बाद वह बाद बाला चुनता है। वहां उनका कमरा छोटा और बहुत करीब बंजर है। बुधवार आने वाले दिन है जब उनके भाई आ सकते हैं। मनोरंजन कक्ष में एक टीवी कार्ड और ब्रेकल टेप ट्रैगल चाकू वह के रोगी हैं, इसीलिए स्वास्थ्य बोर्ड के नियमों के अनुसार केवल पैजामा पहनने के लिए मजबूर किया जाता है। डॉक्टर फिगर के साथ उनका एक सपाह में 3 समूह चिकित्सा स्तर होते हैं। वह रेली ट्रेवल वेसी जोनत चैक्सी निक ड्रॉमी स्लेभाग से मिलता है और लैशी मार्गल वह राचेली में रोमांटिक रुचि की आवाज़ उठाता है, लेकिन वह पहले स्त्री को जल्द छोड़ देता है। रहल उसके पिछले चलकर उसे थप्पड़ मारती है क्योंकि वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। वे रेसलिंग खेलना शुरू करती है, लेकिन शुरुआत जाते हैं जब वह गलती से उनके मुंह पर जोर से मारती है और खून खींचती है। जॉन्थनी अपने खून होठों की देखभाल करने के लिए टॉयलेट में जाता है और रेहल उसका पीछा करता है और खून से बाहर आ जाता है। इसके लिए वो गले पर छाती पर लगती है। जॉन्थी परेशान है लेकिन उत्साह है। उसके बाद वह टोबी से दोस्ती करता है जो लगता है कि रहल पर भी क्रश है। डॉक्टर फिगर के साथ के बाद के चिकित्सा स्तर भावनात्मक एक है, लेकिन वह रोगियों से नए साल की पूर्व संध्या से पहले खुद को न मानने का संकल्प लेने के लिए कहता है। टॉमी के साथ जॉन्थनी की दोस्ती तब खत्म होने लगती है जब वे रास्ते में एक साथ एक पक में चुपके से जाते हैं। कमरे में लौटने के बाद जॉन्थनी आश्चर्य है कि राहेली वहाँ उसका इंतजार कर रही है। जब वह उसके ऊपर लेट होते हैं, राहेल सिगरेट के डिब्बे में छिपा हुआ एक रोजर यानी उत्तेजन तेज हो जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको किनारे पर मूवी के बारे में बताती हूँ। एनेट द 2001 की अपराक्ष फिल्म है जिसे जॉनी कारिन द्वारा सहलिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें श्लेनिन विर्जल ट्रेफल वैसी जोथन जैक्सन और स्टीफन री ने अभिनय किया है। नाटक एक आत्महत्या युवक है डेवलिन मनोरोग अस्पताल में उसके रहने की कहानी कहता है, जहां उनकी मुलाकात नए दोस्तों से होती है जो उसके जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। निर्देशित जॉनी कॉनर द्वारा लिखित जॉनी एनी आर्थक्लिप्टी एंथ्री लेपन जीमा श्रेडिनर अभिनीति श्रेणी मफर ट्रेफियर ब्रेसी जोनाथ जैक्सन स्टीफरी प्रोड्यूसर कंपनी एलेशी किंची प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा वितरित योनिक फेकोस योनिक वर्स स्टूडियोज़।
होगन वीडियोस रिलीज की तारीख 2001 कार्यकारी समय 86 मिनट बोली अंग्रेजी 24 घंटे के अंतराल के भीतर चौथन ब्रेजी मैफ्री अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हैती है ऊंची हो जाता है एक कार चुराता है किसी और की प्रेमिका को उठाता है और उसे सड़क के किनारे फेंक देता है और फिर खुद को एक चट्टान से हटा देता है। एक टूटी हुई उंगली से ज़्यादा कुछ नहीं झेलने के कारण उसे या तो जेल में एक जादू का सामना करना पड़ता है या एक मनोरोग अस्पताल में रहना पड़ता है। वह खुद को डग फेगर रिगाओ की देखरेख में रखता है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह वहाँ छुट्टी मांगने आया है मूल्यांकन के लिए नहीं, लेकिन जैसा कि जोशन अग्नी से डॉक्टर फिकर के थेप्रेस्त्रों में भाग लेने के लिए सहमत होता है और साथ ही रोगियों रेचल वैसी और टेवी जैक्सन के संपर्क में आता है, वह जीवन पर अपने दृष्टिकोण पर पुनर्जीवित करना शुरू कर देता है। जॉन्थनी व्रेची 19 साल का है जब उसके पिता खुद को मौत के घाट उतार देते हैं। एक ग्राम कोवली के साथ एक रात के बाद एक रात आदमी की प्रेमिका और पहले से ही परिवर्तन चोरी, वह अपने पिता की राख लेने के लिए सुबह 5 बजे अपने बड़े भाई मिकल फाइल हिक्की के घर जाता है। पिछली सीट पर कलश के साथ वह फिर आत्मघाती अभियान पर चला जाता है। अस्पताल में जागने के बाद उसे एक वकील दिहाई देता है। चोरी की कार या मानसिक स्थापन के लिए जेल बाद वह बाद बाला चुनता है। वहां उनका कमरा छोटा और बहुत करीब बंजर है। बुधवार आने वाले दिन है जब उनके भाई आ सकते हैं। मनोरंजन कक्ष में एक टीवी कार्ड और ब्रिकल टीप ट्रैगल चाकू वह के रोगी है, इसीलिए स्वास्थ्य बोर्ड के नियमों के अनुसार केवल पैजामा पहनने के लिए मजबूर किया जाता है। डॉक्टर फिगर के साथ उनका एक सपाह में 3 समूह चिकित्सा स्तर होते हैं। वह रेली ट्रेवल वैसी जोनत जैक्सी निक ड्रॉमी स्लेभाग से मिलता है और लैशी मार्गल वह राचेली में रोमांटिक रुचि की आवाज़ उठाता है, लेकिन वह पहले स्त्री को जल्द छोड़ देता है। रेहल उसके पिछले चलकर उसे थप्पड़ मारती है क्योंकि वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। वे रेसलिंग खेलना शुरू करती है, लेकिन शुरुआत जाते हैं जब वह गलती से उनके मुंह पर जोर से मारती है और खून खींचती है। जॉन्थनी अपने खून होठों की देखभाल करने के लिए टॉयलेट में आ जाता है और रेहल उसका पीछा करता है और खून से बाहर आ जाता है। इसके लिए गले पर छाती पर लगती है। जॉन्थी परेशान है लेकिन उत्साह है। उसके बाद वह टोवी से दोस्ती करता है जो लगता है कि रहल पर भी क्रश है। डॉक्टर फिगर के साथ के बाद के चिकित्सा स्तर व्यवनात्मक एक है, लेकिन वह रोगियों से नए साल की पूर्व संध्या से पहले खुद को न मानने का संकल्प लेने के लिए कहता है। टॉमी के साथ जॉन्थनी की दोस्ती तब खत्म होने लगती है जब वे रास्ते में एक साथ एक पक में चुपके से जाते हैं। कमरे में लौटने के बाद जॉन्थनी आश्चर्य है कि राहेली वहाँ उसका इंतजार कर रही है। जब वह उसके ऊपर लेट होते हैं, राहेल सिगरेट के डिब्बे में छिपा हुआ एक रोजर यौनी उत्तेजन तेज हो जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को
सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको किनारे पर मूवी के बारे में बताती हूँ। एनेट द 2001 की अपराक्ष फिल्म है, जिसे जॉनी कारिन द्वारा सहलिखित और निर्देशित किया गया है, और इसमें श्लेनिन विर्जल ट्रेफल वैसी, जोथन जैक्सन और स्टीफन री ने अभिनय किया है। नाटक एक आत्महत्या युवक है, डेवलिन मनोरोग अस्पताल में उसके रहने की कहानी कहता है, जहां उनकी मुलाकात नए दोस्तों से होती है जो उसके जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। निर्देशित जॉनी कॉनर द्वारा लिखित जॉनी एनी आर्थक्लिप्टी एंथ्री लेपन जीमा श्रेडिनर अभिनीति श्रेणी मफर ट्रेफियर ब्रेसी जोनाथ जैक्सन स्टीफरी प्रोड्यूसर कंपनी एलेशी किंची प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा वितरित योनिक फेकोस योनिक वर्स स्टूडियोज होगन वीडियोज रिलीज की तारीख 2001 कार्यकारी समय 86 मिनट बोली अंग्रेजी 24 घंटे के अंतराल के भीतर जोथन ब्रेजी मैफ्री अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होती है, ऊंची हो जाता है, एक कार चुराता है, किसी और की प्रेमिका को उठाता है और उसे सड़क के किनारे फेंक देता है और फिर खुद को एक चट्टान से हटा देता है। एक टूटी हुई उंगली से ज़्यादा कुछ नहीं झेलने के कारण उसे या तो जेल में एक जादू का सामना करना पड़ता है या एक मनोरोग अस्पताल में रहना पड़ता है। वह खुद को डग फेगर रिगाओ की देखरेख में रखता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह वहाँ छुट्टी मांगने आया है, मूल्यांकन के लिए नहीं। लेकिन जैसा कि जोशन अग्नी से डॉक्टर फिकर के थेपरे स्त्रों में भाग लेने के लिए सहमत होता है, और साथ ही रोगियो रेचल वैसी और टेवी जैक्सन के संपर्क में आता है, वह जीवन पर अपने दृष्टिकोण पर पुनर्जीवित करना शुरू कर देता है। जोनथनी ब्रेची 19 साल का है जब उसके पिता खुद को मौत के घाट उतार देते हैं। एक ग्राम कोवली के साथ एक रात के बाद एक रात आदमी की प्रेमिका और पहले से ही परिवर्तन चोरी, वह अपने पिता की राख लेने के लिए सुबह 5 बजे अपने बड़े भाई मिकल फाइल हिक्की के घर जाता है। पिछली सीट पर कलश के साथ वह फिर आत्मघाती अभियान पर चला जाता है। अस्पताल में जागने के बाद उसे एक वकील दिहाई देता है। चोरी की कार या मानसिक स्थापन के लिए जेल बाद वह बाद बाला चुनता है। वहां उनका कमरा छोटा और बहुत करीब बंजर है। बुधवार आने वाले दिन है जब उनके भाई आ सकते हैं। मनोरंजन कक्ष में एक टीवी कार्ड और ब्रिकल टीप ट्रैगल चाकू वह के रोगी है, इसीलिए स्वास्थ्य बोर्ड के नियमों के अनुसार केवल पैजामा पहनने के लिए मजबूर किया जाता है। डॉक्टर फिगर के साथ उनका एक सपा
में 3 समूह चिकित्सा स्तर होते हैं, वह रेली ट्रेवल वेसी जोनत चैक्सी निक ड्रॉमी स्लेभाग से मिलता है और लैशी मार्गल वह राचेली में रोमांटिक रुचि की आवाज़ उठाता है, लेकिन वह पहले स्त्री को जल्द छोड़ देता है। रेहल उसके पिछले चलकर उसे थप्पड़ मारती है क्योंकि वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। वे रेसलिंग खेलना शुरू करती है, लेकिन शुरुआत जाते हैं जब वह गलती से उनके मुंह पर जोर से मारती है और खून खींचती है। जॉन्थनी अपने खून होठों की देखभाल करने के लिए टॉयलेट में जाता है और रेहल उसका पीछा करता है और खून से बाहर आ जाता है। इसके लिए वो गले पर छाती पर लगती है। जॉन्थी परेशान है लेकिन उत्साह है। उसके बाद वह टोवी से दोस्ती करता है जो लगता है कि रेहल पर भी क्रश है। डॉक्टर फिगर के साथ के बाद के चिकित्सा स्तर व्यवनात्मक एक है, लेकिन वह रोगियों से नए साल की पूर्व संध्या से पहले खुद को न मानने का संकल्प लेने के लिए कहता है। टॉमी के साथ जॉन्थनी की दोस्ती तब ख़त्म होने लगती है जब वे रास्ते में एक साथ एक पक में चुपके से जाते हैं। कमरे में लौटने के बाद जॉन्थनी आश्चर्य है कि रहेली वहाँ उसका इंतजार कर रही है। जब वह उसके ऊपर लेट होते हैं, राहल सिगरेट के डिब्बे में छिपा हुआ एक रोजर यौनी उत्तेजन तेज हो जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको किनारे पर मूवी के बारे में बताती हूँ। एनेट द 2001 की अपराक्ष फिल्म है जिसे जॉनी कारिन द्वारा सहलिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें श्लेनिन विजल ट्रेफल वैसी जोथन जैक्सन और स्टीफन री ने अभिनय किया है। नाटक एक आत्महत्या युवक है डेवलिन मनोरोग अस्पताल में उसके रहने की कहानी कहता है, जहां उनकी मुलाकात नए दोस्तों से होती है जो उसके जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। निर्देशित जॉनी कॉनर द्वारा लिखित जॉनी एनी आर्थक्लिप्टी एंथ्री लेपन जीमा श्रेडिनर अभिनीति श्रेणी मफर ट्रेफियर ब्रेसी जोनत जैक्सन स्टीफरी प्रोड्यूसर कंपनी एलेशी किंची प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा वितरित योनिक फेकोस योनिक वर्स स्टूडियोज होगन वीडियोज रिलीज की तारीख 2001 कार्यकारी समय 86 मिनट बोली अंग्रेजी 24 घंटे के अंतराल के भीतर जोथन ब्रेजी मैफ्री अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होती है। ऊंची हो जाता है, एक कार चुराता है, किसी और की प्रेमिका को उठाता है और उसे सड़क के किनारे फेंक देता है और फिर खुद को एक चट्टान से हटा देता है। एक टूटी हुई उंगली से ज़्यादा कुछ नहीं झेलने के कारण
उसे या तो जेल में एक जादू का सामना करना पड़ता है या एक मनोरोग अस्पताल में रहना पड़ता है। वह खुद को डग फेगर रिगाओ की देखरेख में रखता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह वहाँ छुट्टी मांगने आया है मूल्यांकन के लिए नहीं। लेकिन जैसा कि जोसन अग्नी से डॉक्टर फिकर के थेपरे स्त्रों में भाग लेने के लिए सहमत होता है, और साथ ही रोगियों रेचल वैसी और टेवी जैक्सन के संपर्क में आता है, वह जीवन पर अपने दृष्टिकोण पर पुनर्जीवित करना शुरू कर देता है। जॉन्थनी व्रेची 19 साल का है जब उसके पिता खुद को मौत के घाट उतार देते हैं। एक ग्राम कोवली के साथ एक रात के बाद एक रात आदमी की प्रेमिका और पहले से ही परिवर्तन चोरी, वह अपने पिता की राख लेने के लिए सुबह 5 बजे अपने बड़े भाई मिकल फाइल हिक्की के घर जाता है। पिछली सीट पर कलश के साथ वह फिर आत्मघाती अभियान पर चला जाता है। अस्पताल में जागने के बाद उसे एक वकील दिहाई देता है। चोरी की कार या मानसिक स्थापन के लिए जेल बाद वह बाद बाला चुनता है। वहां उनका कमरा छोटा और बहुत करीब बंजर है। बुधवार आने वाले दिन है जब उनके भाई आ सकते हैं। मनोरंजन कक्ष में एक टीवी कार्ड और ब्रिकल टीप ट्रैगल चाकू वह के रोगी है, इसीलिए स्वास्थ्य बोर्ड के नियमों के अनुसार केवल पैजामा पहनने के लिए मजबूर किया जाता है। डॉक्टर फिगर के साथ उनका एक सपाह में 3 समूह चिकित्सा स्तर होते हैं। वह रेली ट्रेवल वैसी जोनत जैक्सी निक ड्रॉमी स्लेभाग से मिलता है, और लैशी मार्गल वह राचेली में रोमांटिक रुचि की आवाज़ उठाता है। लेकिन वह पहले स्त्री को जल्द छोड़ देता है। रेहल उसके पिछले चलकर उसे थप्पड़ मारती है क्योंकि वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। वे रेसलिंग खेलना शुरू करती है, लेकिन शुरुआत जाते हैं जब वह गलती से उनके मुंह पर जोर से मारती है और खून खींचती है। जॉन्थनी अपने खून होठों की देखभाल करने के लिए टॉयलेट में जाता है और रेहल उसका पीछा करता है और खून से बाहर आ जाता है। इसके लिए वो गले पर छाती पर लगती है। जॉन्थी परेशान है लेकिन उत्साह है। उसके बाद वह टोवी से दोस्ती करता है जो लगता है कि रहल पर भी क्रश है। डॉक्टर फिगर के साथ के बाद के चिकित्सा स्तर भावनात्मक एक है, लेकिन वह रोगियों से नए साल की पूर्व संध्या से पहले खुद को न मानने का संकल्प लेने के लिए कहता है। टॉमी के साथ जॉन्थनी की दोस्ती तब खत्म होने लगती है जब वे रास्ते में एक साथ एक पक में चुपके से जाते हैं। कमरे में लौटने के बाद जॉन्थनी आश्चर्य है कि राहेली वहाँ उसका इंतजार कर रही है। जब वह उसके ऊपर लेट होते हैं, राहेल सिगरेट के डिब्बे में छिपा हुआ एक रोजर यौनी उत्तेजन तेज हो जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको किनारे पर मूवी के बारे में बताती हूँ। एनेट द 2001 की अपराक्ष फिल्म है जिसे जॉनी कारिन द्वारा सहलिखित और निर्देशित किया गया है, और इसमें श्लेनिन विर्जल ट्रेफल वैसी जोथन जैक्सन और स्टीफन री ने अभिनय किया है। नाटक एक आत्मघाती युवक है
डेवलिन मनोरोग अस्पताल में उसके रहने की कहानी कहता है, जहां उनकी मुलाकात नए दोस्तों से होती है जो उसके जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। निर्देशित जॉनी कॉनर द्वारा लिखित जॉनी एनी आर्थाक्लिप्टी एंथ्री लेपन जीमा श्रेडिनर अभिनीति श्रेणी मफर ट्रेफियर ब्रेसी जॉनत जैक्सन स्टीफरी प्रोड्यूसर कंपनी एलेशी किंची प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा वितरित योनिक फेकोस योनिक वर्स स्टूडियोज होगन वीडियोज रिलीज की तारीख 2001 कार्यकारी समय 86 मिनट बोली अंग्रेजी 24 घंटे के अंतराल के भीतर जॉनथन ब्रेजी मैफ्री अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होती है, ऊंची हो जाता है, एक कार चुराता है, किसी और की प्रेमिका को उठाता है और उसे सड़क के किनारे फेंक देता है और फिर खुद को एक चट्टान से हटा देता है। एक टूटी हुई उंगली से ज़्यादा कुछ नहीं झेलने के कारण उसे या तो जेल में एक जादू का सामना करना पड़ता है या एक मनोरोग अस्पताल में रहना पड़ता है। वह खुद को डग फेगर रिगाओ की देखरेख में रखता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह वहाँ छुट्टी मांगने आया है मूल्यांकन के लिए नहीं, लेकिन जैसा कि जॉनथन अनी से डॉक्टर फिकर के थेपरे स्त्रों में भाग लेने के लिए सहमत होता है और साथ ही रोगियो रेचल वैसी और टेवी जैक्सन के संपर्क में आता है, वह जीवन पर अपने दृष्टिकोण पर पुनर्जीवित करना शुरू कर देता है। जॉनथनी ब्रेची 19 साल का है जब उसके पिता खुद को मौत के घाट उतार देते हैं। एक ग्राम कोवली के साथ एक रात के बाद एक रात आदमी की प्रेमिका और पहले से ही परिवर्तन चोरी, वह अपने पिता की राख लेने के लिए सुबह 5 बजे अपने बड़े भाई मिकल फाइल हिक्की के घर जाता है। पिछली सीट पर कलश के साथ वह फिर आत्मघाती अभियान पर चला जाता है। अस्पताल में जागने के बाद उसे एक वकील दिहाई देता है। चोरी की कार या मानसिक स्थापन के लिए जेल बाद वह बाद बाला चुनता है। वहां उनका कमरा छोटा और बहुत करीब बंजर है। बुधवार आने वाले दिन है जब उनके भाई आ सकते हैं। मनोरंजन कक्ष में एक टीवी कार्ड और ब्रिकल टीप ट्रैगल चाकू वह के रोगी है, इसीलिए स्वास्थ्य बोर्ड के नियमों के अनुसार केवल पैजामा पहनने के लिए मजबूर किया जाता है। डॉक्टर फिगर के साथ उनका एक सपाह में 3 समूह चिकित्सा स्तर होते हैं। वह रेली ट्रेवल वैसी जॉनथ जैक्सी निक ड्रॉमी स्लेभाग से मिलता है और लैशी मार्गल वह राचेली में रोमांटिक रुचि की आवाज़ उठाता है, लेकिन वह पहले स्त्री को जल्द छोड़ देता है। रहल उसके पिछले चलकर उसे थप्पड़ मारती है क्योंकि वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। वे रेसलिंग खेलना शुरू करती है, लेकिन शुरुआत जाते हैं जब वह गलती से उनके मुंह पर जोर से मारती है और खून खींचती है। जॉनथनी अपने खून होठों की देखभाल करने के लिए टॉयलेट में आ जाता है और रेहल उसका पीछा करता है और खून से बाहर आ जाता है।
इसके लिए वो गले पर छाती पर लगती है। जोंथी परेशान है लेकिन उत्साह है। उसके बाद वह टोबी से दोस्ती करता है जो लगता है कि रहल पर भी क्रश है। डॉक्टर फिगर के साथ के बाद के चिकित्सा स्तर भावनात्मक एक है लेकिन वह रोगियों से नए साल की पूर्व संध्या से पहले खुद को न मानने का संकल्प लेने के लिए कहता है। टॉमी के साथ जोंथनी की दोस्ती तब खत्म होने लगती है जब वे रास्ते में एक साथ एक पक में चुपके से जाते हैं। कमरे में लौटने के बाद जोंथनी आश्चर्य है कि राहेली वहां उसका इंतजार कर रही है। जब वह उसके ऊपर लेट होते हैं राहेल सिगरेट के डिब्बे में छिपा हुआ एक रोजर यौनी उत्तेजन तेज हो जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको किनारे पर मूवी के बारे में बताती हूँ। एनेट द 2001 की अपराक्ष फिल्म है जिसे जॉनी कारिन द्वारा सहलिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें श्लेनिन विर्जल ट्रेफल वैसी जोथन जैक्सन और स्टीफन री ने अभिनय किया है। नाटक एक आत्महत्या युवक है डेवलिन मनोरोग अस्पताल में उसके रहने की कहानी कहता है जहां उनकी मुलाकात नए दोस्तों से होती है जो उसके जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। निर्देशित जॉनी कॉनर द्वारा लिखित जॉनी एनी आर्थक्लिप्टी एंथ्री लेपन जीमा श्रेडिनर अभिनीति श्रेणी मफर ट्रेफियर ब्रेसी जोनाथ जैक्सन स्टीफरी प्रोड्यूसर कंपनी एलेशी किंची प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा वितरित योनिक फेकोस योनिक वर्स स्टूडियोज होगन वीडियोज रिलीज की तारीख 2001 कार्यकारी समय 86 मिनट बोली अंग्रेजी 24 घंटे के अंतराल के भीतर जोथन ब्रेजी मैफ्री अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होती है। ऊंची हो जाता है एक कार चुराता है किसी और की प्रेमिका को उठाता है और उसे सड़क के किनारे फेंक देता है और फिर खुद को एक चट्टान से हटा देता है। एक टूटी हुई उंगली से ज़्यादा कुछ नहीं झेलने के कारण उसे या तो जेल में एक जादू का सामना करना पड़ता है या एक मनोरोग अस्पताल में रहना पड़ता है। वह खुद को डग फेगर रिगाओ की देखरेख में रखता है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह वहां छुट्टी मांगने आया है मूल्यांकन के लिए नहीं लेकिन जैसा कि जोशन अग्नी से डॉक्टर फिकर के थेपरे स्त्रों में भाग लेने के लिए सहमत होता है और साथ ही रोगियो रेचल वैसी और टेवी जैक्सन के संपर्क में आता है वह जीवन पर अपने दृष्टिकोण पर पुनर्जीवित करना शुरू कर देता है। जोंथनी ब्रेची 19 साल का है।
जब उसके पिता खुद को मौत के घाट उतार देते हैं, एक ग्राम कोवली के साथ एक रात के बाद एक रात आदमी की प्रेमिका और पहले से ही परिवर्तन चोरी, वह अपने पिता की राख लेने के लिए सुबह 5 बजे अपने बड़े भाई मिकल फाइल हिक्की के घर जाता है। पिछली सीट पर कलश के साथ वह फिर आत्मघाती अभियान पर चला जाता है। अस्पताल में जागने के बाद उसे एक वकील दिहाई देता है। चोरी की कार या मानसिक स्थापन के लिए जेल बाद वह बाद बाला चुनता है। वहां उनका कमरा छोटा और बहुत करीब बंजर है। बुधवार आने वाले दिन है जब उनके भाई आ सकते हैं। मनोरंजन कक्ष में एक टीवी कार्ड और ब्रिकल टेप ट्रैगल चाकू वह के रोगी हैं, इसीलिए स्वास्थ्य बोर्ड के नियमों के अनुसार केवल पैजामा पहनने के लिए मजबूर किया जाता है। डॉक्टर फिगर के साथ उनका एक सपाह में 3 समूह चिकित्सा स्तर होते हैं। वह रेली ट्रेवल वेसी जोनत जैक्सी निक डॉमी स्लेभाग से मिलता है और लैशी मार्गल वह राचेली में रोमांटिक रुचि की आवाज़ उठाता है, लेकिन वह पहले स्त्री को जल्द छोड़ देता है। रहल उसके पिछले चलकर उसे थप्पड़ मारती है क्योंकि वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। वे रेसलिंग खेलना शुरू करती है, लेकिन शुरुआत जाते हैं जब वह गलती से उनके मुंह पर जोर से मारती है और खून खींचती है। जॉन्थनी अपने खून होठों की देखभाल करने के लिए टॉयलेट में जाता है और रेहल उसका पीछा करता है और खून से बाहर आ जाता है। इसके लिए वो गले पर छाती पर लगती है। जॉन्थी परेशान है लेकिन उत्साह है। उसके बाद वह टोबी से दोस्ती करता है जो लगता है कि रहल पर भी क्रश है। डॉक्टर फिगर के साथ के बाद के चिकित्सा स्तर भावनात्मक एक है, लेकिन वह रोगियों से नए साल की पूर्व संध्या से पहले खुद को न मानने का संकल्प लेने के लिए कहता है। टॉमी के साथ जॉन्थनी की दोस्ती तब खत्म होने लगती है जब वे रास्ते में एक साथ एक पक में चुपके से जाते हैं। कमरे में लौटने के बाद जॉन्थनी आश्चर्य है कि राहेली वहाँ उसका इंतजार कर रही है। जब वह उसके ऊपर लेट होते हैं, राहेल सिगरेट के डिब्बे में छिपा हुआ एक रोजर यानी उत्तेजन तेज हो जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको किनारे पर मूवी के बारे में बताती हूँ। एनेट द 2001 की अपराहिक फिल्म है जिसे जॉनी कारिन द्वारा सहलिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें श्लेनिन विर्जल ट्रेफल वैसी जोथन जैक्सन और स्टीफन री ने अभिनय किया है। नाटक एक आत्महत्या युवक है डेवलिन मनोरोग अस्पताल में उसके रहने की कहानी कहता है, जहां उनकी मुलाकात नए दोस्तों से होती है जो उसके जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। निर्देशित जॉनी कॉनर द्वारा लिखित जॉनी एनी आर्थक्लिप्टी एंथ्री लेपन जीमा श्रेडिनर अभिनीति श्रेणी मफर ट्रेफियर ब्रेसी जोनाथ जैक्सन स्टीफरी प्रोड्यूसर कंपनी एलेशी किंची
प्रदूषण कंपनी द्वारा वितरित योनिक फेकॉस योनिक वर्स स्टूडियोज होगन वीडियोज रिलीज की तारीख 2001 कार्यकारी समय 86 मिनट बोली अंग्रेजी 24 घंटे के अंतराल के भीतर चौथन ब्रेजी मैफ्री अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हैती है ऊंची हो जाता है एक कार चुराता है किसी और की प्रेमिका को उठाता है और उसे सड़क के किनारे फेंक देता है और फिर खुद को एक चट्टान से हटा देता है। एक टूटी हुई उंगली से ज़्यादा कुछ नहीं झेलने के कारण उसे या तो जेल में एक जादू का सामना करना पड़ता है या एक मनोरोग अस्पताल में रहना पड़ता है। वह खुद को डग फेगर रिगाओ की देखरेख में रखता है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह वहाँ छुट्टी मांगने आया है मूल्यांकन के लिए नहीं, लेकिन जैसा कि जोशन अग्नी से डॉक्टर फिकर के थेपरे स्त्रों में भाग लेने के लिए सहमत होता है और साथ ही रोगियों रेचल वैसी और टेवी जैक्सन के संपर्क में आता है, वह जीवन पर अपने दृष्टिकोण पर पुनर्जीवित करना शुरू कर देता है। जॉन्थनी व्रेची 19 साल का है जब उसके पिता खुद को मौत के घाट उतार देते हैं। एक ग्राम कोवली के साथ एक रात के बाद एक रात आदमी की प्रेमिका और पहले से ही परिवर्तन चोरी वह अपने पिता की राख लेने के लिए सुबह 5 बजे अपने बड़े भाई मिकल फाइल हिक्की के घर जाता है। पिछली सीट पर कलश के साथ वह फिर आत्मघाती अभियान पर चला जाता है। अस्पताल में जागने के बाद उसे एक वकील दिहाई देता है। चोरी की कार या मानसिक स्थापन के लिए जेल बाद वह बाद बाला चुनता है। वहां उनका कमरा छोटा और बहुत करीब बंजर है। बुधवार आने वाले दिन है जब उनके भाई आ सकते हैं। मनोरंजन कक्ष में एक टीवी कार्ड और ब्रिकल टीप ट्रैगल चाकू वह के रोगी हैं, इसीलिए स्वास्थ्य बोर्ड के नियमों के अनुसार केवल पैजामा पहनने के लिए मजबूर किया जाता है। डॉक्टर फिगर के साथ उनका एक सपाह में 3 समूह चिकित्सा स्तर होते हैं। वह रेली ट्रेवल वैसी जोनत जैक्सी निक ड्रॉमी स्लेभाग से मिलता है और लैशी मार्गल वह राचेली में रोमांटिक रुचि की आवाज़ उठाता है, लेकिन वह पहले स्त्री को जल्द छोड़ देता है। रेहल उसके पिछले चलकर उसे थप्पड़ मारती है क्योंकि वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। वे रेसलिंग खेलना शुरू करती है, लेकिन शुरुआत जाते हैं जब वह गलती से उनके मुंह पर जोर से मारती है और खून खींचती है। जॉन्थनी अपने खून होठों की देखभाल करने के लिए टॉयलेट में आ जाता है और रेहल उसका पीछा करता है और खून से बाहर आ जाता है। इसके लिए वो गले पर छाती पर लगती है। जॉन्थी परेशान है लेकिन उत्साह है। उसके बाद वह टोवी से दोस्ती करता है जो लगता है कि रहल पर भी क्रश है। डॉक्टर फिगर के साथ के बाद के चिकित्सा स्तर भावनात्मक एक है, लेकिन वह रोगियों से नए साल की पूर्व संध्या से पहले खुद को न मानने का संकल्प लेने के लिए कहता है। टॉमी के साथ जॉन्थनी की दोस्ती तब ख़त्म होने लगती है जब वे रास्ते में एक साथ एक पक में चुपके से जाते हैं। कमरे में लौटने के बाद जॉन्थनी आश्चर्य है कि राहेली वहाँ उसका इंतजार कर रही है। जब वह उसके ऊपर लेट होते हैं, राहेल सिगरेट के डिब्बे में छिपा हुआ एक रोजर यानी उत्तेजन तेज हो जाता है।
यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको किनारे पर मूवी के बारे में बताती हूँ। एनेट द 2001 की अपराक्ष फिल्म है जिसे जॉनी कारिन द्वारा सहलिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें श्लेनिन विर्जल ट्रेफल वैसी जोथन जैक्सन और स्टीफन री ने अभिनय किया है। नाटक एक आत्महत्या युवक है डेवलिन मनोरोग अस्पताल में उसके रहने की कहानी कहता है जहां उनकी मुलाकात नए दोस्तों से होती है जो उसके जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। निर्देशित जॉनी कॉनर द्वारा लिखित जॉनी एनी आर्थक्लिप्टी एंथ्री लेपन जीमा श्रेडिनर अभिनीति श्रेणी मफर ट्रेफियर ब्रेसी जॉनत जैक्सन स्टीफरी प्रोड्यूसर कंपनी एलेशी किंची प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा वितरित योनिक फेकोस योनिक वर्स स्टूडियोज होगन वीडियोज रिलीज की तारीख 2001 कार्यकारी समय 86 मिनट बोली अंग्रेजी 24 घंटे के अंतराल के भीतर जोथन ब्रेजी मैफ्री अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होती है। ऊंची हो जाता है, एक कार चुराता है, किसी और की प्रेमिका को उठाता है और उसे सड़क के किनारे फेंक देता है और फिर खुद को एक चट्टान से हटा देता है। एक टूटी हुई उंगली से ज़्यादा कुछ नहीं झेलने के कारण उसे या तो जेल में एक जादू का सामना करना पड़ता है या एक मनोरोग अस्पताल में रहना पड़ता है। वह खुद को डग फेगर रिगाओ की देखरेख में रखता है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह वहाँ छुट्टी मांगने आया है मूल्यांकन के लिए नहीं, लेकिन जैसा कि जोशन अग्नी से डॉक्टर फिकर के थेपरे स्त्रों में भाग लेने के लिए सहमत होता है और साथ ही रोगियो रेचल वैसी और टेवी जैक्सन के संपर्क में आता है, वह जीवन पर अपने दृष्टिकोण पर पुनर्जीवित करना शुरू कर देता है। जोनथनी ब्रेची 19 साल का है जब उसके पिता खुद को मौत के घाट उतार देते हैं। एक ग्राम कोवली के साथ एक रात के बाद एक रात आदमी की प्रेमिका और पहले से ही परिवर्तन चोरी वह अपने पिता की राख लेने के लिए सुबह 5 बजे अपने बड़े भाई मिकल फाइल हिक्की के घर जाता है। पिछली सीट पर कलश के साथ वह फिर आत्मघाती अभियान पर चला जाता है। अस्पताल में जागने के बाद उसे एक वकील दिहाई देता है। चोरी की कार या मानसिक स्थापन के लिए जेल बाद वह बाद बाला चुनता है। वहां उनका कमरा छोटा और बहुत करीब बंजर है। बुधवार आने वाले दिन है जब उनके भाई आ सकते हैं। मनोरंजन कक्ष में एक टीवी कार्ड और ब्रिकल टीप ट्रैगल चाकू वह के रोगी
हैं, इसीलिए स्वास्थ्य बोर्ड के नियमों के अनुसार केवल पैजामा पहनने के लिए मजबूर किया जाता है। डॉक्टर फिगर के साथ उनका एक सपाह में 3 समूह चिकित्सा स्तर होते हैं, वह वहाँ रेली ट्रेवल वेसी जोनत चैक्सी निक ड्रॉमी स्लेभाग से मिलता है और लैशी मार्गल वह राचेली में रोमांटिक रुचि की आवाज़ उठाता है, लेकिन वह पहले स्त्री को जल्द छोड़ देता है। रेहल उसके पिछले पिछले चलकर उसे थप्पड़ मारती है क्योंकि वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। वे रेसलिंग खेलना शुरू करती है, लेकिन शुरुआत जाते हैं जब वह गलती से उनके मुंह पर जोर से मारती है और खून खींचती है। जॉन्थनी अपने खून होठों की देखभाल करने के लिए टॉयलेट में आ जाता है और रेहल उसका पीछा करता है और खून से बाहर आ जाता है। इसके लिए वो गले पर छाती पर लगती है। जॉन्थी परेशान है लेकिन उत्साह है। उसके बाद वह टोबी से दोस्ती करता है जो लगता है कि रेहल पर भी क्रश है। डॉक्टर फिगर के साथ के बाद के चिकित्सा स्तर भावनात्मक एक है, लेकिन वह रोगियों से नए साल की पूर्व संध्या से पहले खुद को न मानने का संकल्प लेने के लिए कहता है। टॉमी के साथ जॉन्थनी की दोस्ती तब ख़त्म होने लगती है जब वे रास्ते में एक साथ एक पक में चुपके से जाते हैं। कमरे में लौटने के बाद जॉन्थनी आश्चर्य है कि रहेली वहाँ उसका इंतजार कर रही है। जब वह उसके ऊपर लेट होते हैं, राहल सिगरेट के डिब्बे में छिपा हुआ एक रोजर यौनी उत्तेजन तेज हो जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको किनारे पर मूवी के बारे में बताती हूँ। एनेट द 2001 की अपराक्ष फिल्म है जिसे जॉनी कारिन द्वारा सहलिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें श्लेनिन विजल ट्रेफल वैसी जोथन जैक्सन और स्टीफन री ने अभिनय किया है। नाटक एक आत्महत्या युवक है डेवलिन मनोरोग अस्पताल में उसके रहने की कहानी कहता है, जहां उनकी मुलाकात नए दोस्तों से होती है जो उसके जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। निर्देशित जॉनी कॉनर द्वारा लिखित जॉनी एनी आर्थक्लिप्टी एंथ्री लेपन जीमा श्रेडिनर अभिनीति श्रेणी मफर ट्रेफियर ब्रेसी जोनाथ जैक्सन स्टीफरी प्रोड्यूसर कंपनी एलेशी किंची प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा वितरित योनिक फेकोस योनिक वर्स स्टूडियोज होगन वीडियोज रिलीज की तारीख 2001 कार्यकारी समय 86 मिनट बोली अंग्रेजी 24 घंटे के अंतराल के भीतर जोथन ब्रेजी मैफ्री अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होती है। ऊंची हो जाता है, एक कार चुराता है, किसी और की प्रेमिका को उठाता है और उसे सड़क के किनारे फेंक देता है।
और फिर खुद को एक चट्टान से हटा देता है। एक टूटी हुई उंगली से ज़्यादा कुछ नहीं झेलने के कारण उसे या तो जेल में एक जादू का सामना करना पड़ता है या एक मनोरोग अस्पताल में रहना पड़ता है। वह खुद को डग फेगर रिगाओ की देखरेख में रखता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह वहाँ छुट्टी मांगने आया है मूल्यांकन के लिए नहीं। लेकिन जैसा कि जोसन अग्नी से डॉक्टर फिकर के थेपरे स्त्रों में भाग लेने के लिए सहमत होता है और साथ ही रोगियों रेचल वैसी और टेवी जैक्सन के संपर्क में आता है, वह जीवन पर अपने दृष्टिकोण पर पुनर्जीवित करना शुरू कर देता है। जॉन्थनी व्रेची 19 साल का है जब उसके पिता खुद को मौत के घाट उतार देते हैं। एक ग्राम कोवली के साथ एक रात के बाद एक रात आदमी की प्रेमिका और पहले से ही परिवर्तन चोरी, वह अपने पिता की राख लेने के लिए सुबह 5 बजे अपने बड़े भाई मिकल फाइल हिक्की के घर जाता है। पिछली सीट पर कलश के साथ वह फिर आत्मघाती अभियान पर चला जाता है। अस्पताल में जागने के बाद उसे एक वकील दिहाई देता है। चोरी की कार या मानसिक स्थापन के लिए जेल बाद वह बाद बाला चुनता है। वहां उनका कमरा छोटा और बहुत करीब बंजर है। बुधवार आने वाले दिन है जब उनके भाई आ सकते हैं। मनोरंजन कक्ष में एक टीवी कार्ड और ब्रिकल टीप ट्रैगल चाकू वह के रोगी है, इसीलिए स्वास्थ्य बोर्ड के नियमों के अनुसार केवल पैजामा पहनने के लिए मजबूर किया जाता है। डॉक्टर फिगर के साथ उनका एक सपाह में 3 समूह चिकित्सा स्तर होते हैं। वह रेली ट्रेवल वैसी जोनत जैक्सी निक ड्रॉमी स्लेभाग से मिलता है और लैशी मार्गल वह राचेली में रोमांटिक रुचि की आवाज़ उठाता है। लेकिन वह पहले स्त्री को जल्द छोड़ देता है। रेहल उसके पिछले चलकर उसे थप्पड़ मारती है क्योंकि वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। वे रेसलिंग खेलना शुरू करती है लेकिन शुरुआत जाते हैं जब वह गलती से उनके मुंह पर जोर से मारती है और खून खींचती है। जॉन्थनी अपने खून होठों की देखभाल करने के लिए टॉयलेट में जाता है और रेहल उसका पीछा करता है और खून से बाहर आ जाता है। इसके लिए वो गले पर छाती पर लगती है। जॉन्थी परेशान है लेकिन उत्साह है। उसके बाद वह टोवी से दोस्ती करता है जो लगता है कि रहल पर भी क्रश है। डॉक्टर फिगर के साथ के बाद के चिकित्सा स्तर भावनात्मक एक है लेकिन वह रोगियों से नए साल की पूर्व संध्या से पहले खुद को न मानने का संकल्प लेने के लिए कहता है। टॉमी के साथ जॉन्थनी की दोस्ती तब खत्म होने लगती है जब वे रास्ते में एक साथ एक पक में चुपके से जाते हैं। कमरे में लौटने के बाद जॉन्थनी आश्चर्य है कि राहेली वहाँ उसका इंतजार कर रही है। जब वह उसके ऊपर लेट होते हैं राहेल सिगरेट के डिब्बे में छिपा हुआ एक रोजर यौनी उत्तेजन तेज हो जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको किनारे पर मूवी के बारे में बताती हूँ। एनेट द 2001 की अपराक्ष फिल्म है जिसे जॉनी कारिन द्वारा सहलिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें श्लेनिन विर्जल ट्रेफल वैसी जोथन जैक्सन और स्टीफन री ने
अभिमन्य किया है। नाटक एक आत्महत्या युवक है। डेवलिन मनोरोग अस्पताल में उसके रहने की कहानी कहता है, जहां उनकी मुलाकात नए दोस्तों से होती है जो उसके जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। निर्देशित जॉनी कॉनर द्वारा लिखित जॉनी एनी आर्थक्लिप्टी एंथ्री लेपन जीमा श्रेडिनर अभिनीति श्रेणी मफर ट्रेफियर ब्रेसी जॉनथ जैक्सन स्टीफरी प्रोड्यूसर कंपनी एलेशी किंची प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा वितरित योनिक फेकॉस योनिक वर्स स्टूडियोज होगन वीडियोज रिलीज की तारीख 2001 कार्यकारी समय 86 मिनट बोली अंग्रेजी 24 घंटे के अंतराल के भीतर जॉनथन ब्रेजी मैफ्री अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होती है। ऊंची हो जाता है, एक कार चुराता है, किसी और की प्रेमिका को उठाता है और उसे सड़क के किनारे फेंक देता है और फिर खुद को एक चट्टान से हटा देता है। एक टूटी हुई उंगली से ज़्यादा कुछ नहीं झेलने के कारण उसे या तो जेल में एक जादू का सामना करना पड़ता है या एक मनोरोग अस्पताल में रहना पड़ता है। वह खुद को डग फेगर रिगाओ की देखरेख में रखता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह वहाँ छुट्टी मांगने आया है मूल्यांकन के लिए नहीं, लेकिन जैसा कि जॉनथन अग्नी से डॉक्टर फिकर के थेपरे स्त्रों में भाग लेने के लिए सहमत होता है और साथ ही रोगियो रेचल वैसी और टेवी जैक्सन के संपर्क में आता है, वह जीवन पर अपने दृष्टिकोण पर पुनर्जीवित करना शुरू कर देता है। जॉनथनी ब्रेची 19 साल का है जब उसके पिता खुद को मौत के घाट उतार देते हैं। एक ग्राम कोवली के साथ एक रात के बाद एक रात आदमी की प्रेमिका और पहले से ही परिवर्तन चोरी, वह अपने पिता की राख लेने के लिए सुबह 5 बजे अपने बड़े भाई मिकल फाइल हिक्की के घर जाता है। पिछली सीट पर कलश के साथ वह फिर आत्मघाती अभियान पर चला जाता है। अस्पताल में जागने के बाद उसे एक वकील दिहाई देता है। चोरी की कार या मानसिक स्थापन के लिए जेल बाद वह बाद बाला चुनता है। वहां उनका कमरा छोटा और बहुत करीब बंजर है। बुधवार आने वाले दिन है जब उनके भाई आ सकते हैं। मनोरंजन कक्ष में एक टीवी कार्ड और ब्रिकल टीप ट्रैगल चाकू वह के रोगी है, इसीलिए स्वास्थ्य बोर्ड के नियमों के अनुसार केवल पैजामा पहनने के लिए मजबूर किया जाता है। डॉक्टर फिगर के साथ उनका एक सपाह में 3 समूह चिकित्सा स्तर होते हैं। वह रेली ट्रेवल वैसी जॉनथ जैक्सन निक ड्रॉमी स्लेभाग से मिलता है और लैशी मार्गल वह राचेली में रोमांटिक रुचि की आवाज़ उठाता है, लेकिन वह पहले स्त्री को जल्द छोड़ देता है। रेहल उसके पिछले चलकर उसे थप्पड़ मारती है क्योंकि वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। वे रेसलिंग खेलना शुरू करती है, लेकिन शुरुआत जाते हैं जब वह गलती से उनके मुंह पर जोर से मारती है और खून खींचती है। जॉनथनी अपने खून होठों की देखभाल करने के लिए टॉयलेट
एक्ट में आ जाता है और रेहल उसका पीछा करता है और खून से बाहर आ जाता है। इसके लिए वो गले पर छाती पर लगती है। जॉन्थी परेशान है लेकिन उत्साह है। उसके बाद वह टोबी से दोस्ती करता है जो लगता है कि रहल पर भी क्रश है। डॉक्टर फिगर के साथ के बाद के चिकित्सा स्तर भावनात्मक एक है लेकिन वह रोगियों से नए साल की पूर्व संध्या से पहले खुद को न मानने का संकल्प लेने के लिए कहता है। टॉमी के साथ जॉन्थनी की दोस्ती तब खत्म होने लगती है जब वे रास्ते में एक साथ एक पक में चुपके से जाते हैं। कमरे में लौटने के बाद जॉन्थनी आश्चर्य है कि राहेली वहां उसका इंतजार कर रही है। जब वह उसके ऊपर लेट होते हैं राहेल सिगरेट के डिब्बे में छिपा हुआ एक रोजर यौनी उत्तेजन तेज हो जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको किनारे पर मूवी के बारे में बताती हूँ। एनेट द 2001 की अपराक्ष फिल्म है जिसे जॉनी कारिन द्वारा सहलिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें श्लेनिन विर्जल ट्रेफल वैसी जोथन जैक्सन और स्टीफन री ने अभिनय किया है। नाटक एक आत्महत्या युवक है डेवलिन मनोरोग अस्पताल में उसके रहने की कहानी कहता है जहां उनकी मुलाकात नए दोस्तों से होती है जो उसके जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। निर्देशित जॉनी कॉनर द्वारा लिखित जॉनी एनी आर्थक्लिप्टी एंथ्री लेपन जीमा श्रेडिनर अभिनीति श्रेणी मफर ट्रेफियर ब्रेसी जॉनथ जैक्सन स्टीफरी प्रोड्यूसर कंपनी एलेशी किंची प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा वितरित योनिक फेकोस योनिक वर्स स्टूडियोज होगन वीडियोज रिलीज की तारीख 2001 कार्यकारी समय 86 मिनट बोली अंग्रेजी 24 घंटे के अंतराल के भीतर जॉनथन ब्रेजी मैफ्री अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होती है। ऊंची हो जाता है एक कार चुराता है किसी और की प्रेमिका को उठाता है और उसे सड़क के किनारे फेंक देता है और फिर खुद को एक चट्टान से हटा देता है। एक टूटी हुई उंगली से ज़्यादा कुछ नहीं झेलने के कारण उसे या तो जेल में एक जादू का सामना करना पड़ता है या एक मनोरोग अस्पताल में रहना पड़ता है। वह खुद को डग फेगर रिगाओ की देखरेख में रखता है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह वहां छुट्टी मांगने आया है मूल्यांकन के लिए नहीं लेकिन जैसा कि जॉसन अग्नी से डॉक्टर फिकर के थेपरे स्त्रों में भाग लेने के लिए सहमत होता है और साथ ही रोगियों रेचल वैसी और टेवी जैक्सन के
संपर्क में आता है वह जीवन पर अपने दृष्टिकोण पर पुनर्जीवित करना शुरू कर देता है। जॉन्थनी व्रेची 19 साल का है जब उसके पिता खुद को मौत के घाट उतार देते हैं। एक ग्राम कोवली के साथ एक रात के बाद एक रात आदमी की प्रेमिका और पहले से ही परिवर्तन चोरी, वह अपने पिता की राख लेने के लिए सुबह 5 बजे अपने बड़े भाई मिकल फाइल हिक्की के घर जाता है। पिछली सीट पर कलश के साथ वह फिर आत्मघाती अभियान पर चला जाता है। अस्पताल में जागने के बाद उसे एक वकील दिहाई देता है। चोरी की कार या मानसिक स्थापन के लिए जेल बाद वह बाद बाला चुनता है। वहां उनका कमरा छोटा और बहुत करीब बंजर है। बुधवार आने वाले दिन है जब उनके भाई आ सकते हैं। मनोरंजन कक्ष में एक टीवी कार्ड और ब्रिकल टीप ट्रैगल चाकू वह के रोगी हैं, इसीलिए स्वास्थ्य बोर्ड के नियमों के अनुसार केवल पैजामा पहनने के लिए मजबूर किया जाता है। डॉक्टर फिगर के साथ उनका एक सपाह में 3 समूह चिकित्सा स्तर होते हैं। वह रेली ट्रेवल वेसी जोनथ जैक्सी निक ड्रॉमी स्लेभाग से मिलता है और लैशी मार्गल वह राचेली में रोमांटिक रुचि की आवाज़ उठाता है, लेकिन वह पहले स्त्री को जल्द छोड़ देता है। रहल उसके पिछले चलकर उसे थप्पड़ मारती है क्योंकि वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। वे रेसलिंग खेलना शुरू करती है, लेकिन शुरुआत जाते हैं जब वह गलती से उनके मुंह पर जोर से मारती है और खून खींचती है। जॉन्थनी अपने खून होठों की देखभाल करने के लिए टॉयलेट में जाता है और रेहल उसका पीछा करता है और खून से बाहर आ जाता है। इसके लिए गले पर छाती पर लगती है। जॉन्थी परेशान है लेकिन उत्साह है। उसके बाद वह टोबी से दोस्ती करता है जो लगता है कि रहल पर भी क्रश है। डॉक्टर फिगर के साथ के बाद के चिकित्सा स्तर भावनात्मक एक है, लेकिन वह रोगियों से नए साल की पूर्व संध्या से पहले खुद को न मानने का संकल्प लेने के लिए कहता है। टॉमी के साथ जॉन्थनी की दोस्ती तब खत्म होने लगती है जब वे रास्ते में एक साथ एक पक में चुपके से जाते हैं। कमरे में लौटने के बाद जॉन्थनी आश्चर्य है कि राहेली वहाँ उसका इंतजार कर रही है। जब वह उसके ऊपर लेट होते हैं, राहेल सिगरेट के डिब्बे में छिपा हुआ एक रोजर यानी उत्तेजन तेज हो जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको किनारे पर मूवी के बारे में बताती हूँ। एनेट द 2001 की अपराक्ष फिल्म है जिसे जॉनी कारिन द्वारा सहलिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें श्लेनिन विजल ट्रेफल वैसी जोथन जैक्सन और स्टीफन री ने अभिनय किया है। नाटक एक आत्महत्या युवक है डेवलिन मनोरोग अस्पताल में उसके रहने की कहानी कहता है, जहां उनकी मुलाकात नए दोस्तों से होती है जो उसके जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। निर्देशित जॉनी कॉनर द्वारा लिखित जॉनी एनी आर्थक्लिप्टी एंथ्री लेपन जीमा स्ट्रेडिनर अभिनीति श्रेणी मफर
ट्रेफियर ब्रेसी, जोनाथ जैक्सन, स्टीफरी प्रोड्यूसर कंपनी, एलेशी किंची प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा वितरित योनिक फेकोस, योनिक वर्स स्टूडियोज, होगन वीडियोज। रिलीज की तारीख 2001, कार्यकारी समय 86 मिनट, बोली अंग्रेजी, 24 घंटे के अंतराल के भीतर। जोनाथन ब्रेसी मैफ्री अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होती है, ऊंची हो जाता है, एक कार चुराता है, किसी और की प्रेमिका को उठाता है और उसे सड़क के किनारे फेंक देता है और फिर खुद को एक चट्टान से हटा देता है। एक टूटी हुई उंगली से ज़्यादा कुछ नहीं झेलने के कारण उसे या तो जेल में एक जादू का सामना करना पड़ता है या एक मनोरोग अस्पताल में रहना पड़ता है। वह खुद को डग फेगर रिगाओ की देखरेख में रखता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह वहाँ छुट्टी मांगने आया है मूल्यांकन के लिए नहीं। लेकिन जैसा कि जोनाथन अग्नी से डॉक्टर फिकर के थेपरे स्त्रों में भाग लेने के लिए सहमत होता है और साथ ही रोगियों रेचल वैसी और टेवी जैक्सन के संपर्क में आता है, वह जीवन पर अपने दृष्टिकोण पर पुनर्जीवित करना शुरू कर देता है। जोनाथनी ब्रेसी 19 साल का है जब उसके पिता खुद को मौत के घाट उतार देते हैं। एक ग्राम कोवली के साथ एक रात के बाद एक रात आदमी की प्रेमिका और पहले से ही परिवर्तन चोरी, वह अपने पिता की राख लेने के लिए सुबह 5 बजे अपने बड़े भाई मिकल फाइल हिक्की के घर जाता है। पिछली सीट पर कलश के साथ वह फिर आत्मघाती अभियान पर चला जाता है। अस्पताल में जागने के बाद उसे एक वकील दिहाई देता है। चोरी की कार या मानसिक स्थापन के लिए जेल बाद वह बाद बाला चुनता है। वहां उनका कमरा छोटा और बहुत करीब बंजर है। बुधवार आने वाले दिन है जब उनके भाई आ सकते हैं। मनोरंजन कक्ष में एक टीवी कार्ड और ब्रिकल टीप ट्रैगल चाकू वह के रोगी है, इसीलिए स्वास्थ्य बोर्ड के नियमों के अनुसार केवल पैजामा पहनने के लिए मजबूर किया जाता है। डॉक्टर फिगर के साथ उनका एक सपाह में 3 समूह चिकित्सा स्तर होते हैं। वह रेली ट्रेवल वैसी जोनाथ जैक्सन निक ड्रॉमी स्लेभाग से मिलता है और लैशी मार्गल वह राचेली में रोमांटिक रुचि की आवाज़ उठाता है। लेकिन वह पहले स्त्री को जल्द छोड़ देता है। रेहल उसके पिछले चलकर उसे थप्पड़ मारती है क्योंकि वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। वे रेसलिंग खेलना शुरू करती है लेकिन शुरुआत जाते हैं जब वह गलती से उनके मुंह पर जोर से मारती है और खून खींचती है। जोनाथनी अपने खून होठों की देखभाल करने के लिए टॉयलेट में आ जाता है और रेहल उसका पीछा करता है और खून से बाहर आ जाता है। इसके लिए वो गले पर छाती पर लगती है। जोनाथनी परेशान है लेकिन उत्साह है। उसके बाद वह टोवी से दोस्ती करता है जो लगता है कि रेहल पर भी क्रश है। डॉक्टर फिगर के साथ के बाद के चिकित्सा स्तर भावनात्मक एक है लेकिन वह रोगियों से नए साल की पूर्व संध्या से पहले खुद को न मानने का संकल्प लेने के लिए कहता है। टॉमी के साथ जोनाथनी की दोस्ती तब ख़त्म होने लगती है जब वे रास्ते में एक साथ एक पक में चुपके से जाते हैं।
कमरे में लौटने के बाद जॉन्थनी आश्चर्य है कि राहेली वहाँ उसका इंतजार कर रही है। जब वह उसके ऊपर लेट होते हैं, राहेल सिगरेट के डिब्बे में छिपा हुआ एक रोजर यौनी उत्तेजन तेज हो जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको किनारे पर मूवी के बारे में बताती हूँ। एनेट द 2001 की अपराक्ष फिल्म है जिसे जॉनी कारिन द्वारा सहलिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें श्लेनिन विर्जल ट्रेफल वैसी जोथन जैक्सन और स्टीफन री ने अभिनय किया है। नाटक एक आत्महत्या युवक है डेवलिन मनोरोग अस्पताल में उसके रहने की कहानी कहता है, जहां उनकी मुलाकात नए दोस्तों से होती है जो उसके जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। निर्देशित जॉनी कॉनर द्वारा लिखित जॉनी एनी आर्था क्लिप्टी एंथ्री लेपन जीमा श्रेडिनर अभिनीति श्रेणी मफर ट्रेफियर ब्रेसी जॉनथ जैक्सन स्टीफरी प्रोड्यूसर कंपनी एलेशी किंची प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा वितरित योनिक फेकोस योनिक वर्स स्टूडियोज होगन वीडियोज रिलीज की तारीख 2001 कार्यकारी समय 86 मिनट बोली अंग्रेजी 24 घंटे के अंतराल के भीतर जॉनथन ब्रेजी मैफ्री अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होती है। ऊंची हो जाता है, एक कार चुराता है, किसी और की प्रेमिका को उठाता है और उसे सड़क के किनारे फेंक देता है और फिर खुद को एक चट्टान से हटा देता है। एक टूटी हुई उंगली से ज़्यादा कुछ नहीं झेलने के कारण उसे या तो जेल में एक जादू का सामना करना पड़ता है या एक मनोरोग अस्पताल में रहना पड़ता है। वह खुद को डग फेगर रिगाओ की देखरेख में रखता है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह वहाँ छुट्टी मांगने आया है मूल्यांकन के लिए नहीं, लेकिन जैसा कि जॉनथन अग्नी से डॉक्टर फिकर के थेपरे स्त्रों में भाग लेने के लिए सहमत होता है और साथ ही रोगियो रेचल वैसी और टेवी जैक्सन के संपर्क में आता है, वह जीवन पर अपने दृष्टिकोण पर पुनर्जीवित करना शुरू कर देता है। जॉनथनी ब्रेची 19 साल का है जब उसके पिता खुद को मौत के घाट उतार देते हैं। एक ग्राम कोवली के साथ एक रात के बाद एक रात आदमी की प्रेमिका और पहले से ही परिवर्तन चोरी वह अपने पिता की राख लेने के लिए सुबह 5 बजे अपने बड़े भाई मिकल फाइल हिक्की के घर जाता है। पिछली सीट पर कलश के साथ वह फिर आत्मघाती अभियान पर चला जाता है। अस्पताल में जागने के बाद उसे एक वकील
दिहाई देता है। चोरी की कार या मानसिक स्थापन के लिए जेल बाद वह बाद बाला चुनता है। वहां उनका कमरा छोटा और बहुत करीब बंजर है। बुधवार आने वाले दिन है जब उनके भाई आ सकते हैं। मनोरंजन कक्ष में एक टीवी कार्ड और ब्रेकल टेप ट्रैगल चाकू वह के रोगी है। इसीलिए स्वास्थ्य बोर्ड के नियमों के अनुसार केवल पैजामा पहनने के लिए मजबूर किया जाता है। डॉक्टर फिगर के साथ उनका एक सपाह में 3 समूह चिकित्सा स्तर होते हैं। वह वहाँ रेली ट्रेवल वेसी जोनत चैक्सी निक ड्रॉमी स्लेभाग से मिलता है और लैशी मार्गल वह राचेली में रोमांटिक रुचि की आवाज़ उठाता है। लेकिन वह पहले स्त्री को जल्द छोड़ देता है। रहल उसके पिछले चलकर उसे थप्पड़ मारती है क्योंकि वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। वे रेसलिंग खेलना शुरू करती है लेकिन शुरुआत जाते हैं जब वह गलती से उनके मुंह पर जोर से मारती है और खून खींचती है। जॉन्थनी अपने खून होठों की देखभाल करने के लिए टॉयलेट में आ जाता है और रेहल उसका पीछा करता है और खून से बाहर आ जाता है। इसके लिए वो गले पर छाती पर लगती है। जॉन्थी परेशान है लेकिन उत्साह है। उसके बाद वह टोबी से दोस्ती करता है जो लगता है कि रहल पर भी क्रश है। डॉक्टर फिगर के साथ के बाद के चिकित्सा स्तर भावनात्मक एक है लेकिन वह रोगियों से नए साल की पूर्व संध्या से पहले खुद को न मानने का संकल्प लेने के लिए कहता है। टॉमी के साथ जॉन्थनी की दोस्ती तब खत्म होने लगती है जब वे रास्ते में एक साथ एक पक में चुपके से जाते हैं। कमरे में लौटने के बाद जॉन्थनी आश्चर्य है कि राहेली वहाँ उसका इंतजार कर रही है। जब वह उसके ऊपर लेट होते हैं राहेल सिगरेट के डिब्बे में छिपा हुआ एक रोजर यौनी उत्तेजन तेज हो जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको किनारे पर मूवी के बारे में बताती हूँ। एनेट द 2001 की अपराक्ष फिल्म है जिसे जॉनी कारिन द्वारा सहलिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें श्लेनिन विजल ट्रेफल वैसी जोथन जैक्सन और स्टीफन री ने अभिनय किया है। नाटक एक आत्महत्या युवक है डेवलिन मनोरोग अस्पताल में उसके रहने की कहानी कहता है जहां उनकी मुलाकात नए दोस्तों से होती है जो उसके जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। निर्देशित जॉनी कॉनर द्वारा लिखित जॉनी एनी आर्थक्लिप्टी एंथ्री लेपन जीमा श्रेडिनर अभिनीति श्रेणी मफर ट्रेफियर ब्रेसी जोनाथ जैक्सन स्टीफरी प्रोड्यूसर कंपनी एलेशी किंची प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा वितरित योनिक फेकोस योनिक वर्स स्टूडियोज होगन वीडियोस रिलीज की तारीख 2001 कार्यकारी समय 86 मिनट बोली अंग्रेजी 24 घंटे के अंतराल के भीतर जोथन ब्रेजी
मैं फ्री अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हैती है, ऊंची हो जाता है, एक कार चुराता है, किसी और की प्रेमिका को उठाता है और उसे सड़क के किनारे फेंक देता है और फिर खुद को एक चट्टान से हटा देता है। एक टूटी हुई उंगली से ज़्यादा कुछ नहीं झेलने के कारण उसे या तो जेल में एक जादू का सामना करना पड़ता है या एक मनोरोग अस्पताल में रहना पड़ता है। वह खुद को डग फेगर रिगाओ की देखरेख में रखता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह वहाँ छुट्टी मांगने आया है मूल्यांकन के लिए नहीं, लेकिन जैसा कि जोसन अग्नी से डॉक्टर फिकर के थेपरे स्त्रों में भाग लेने के लिए सहमत होता है और साथ ही रोगियों रेचल वैसी और टेवी जैक्सन के संपर्क में आता है, वह जीवन पर अपने दृष्टिकोण पर पुनर्जीवित करना शुरू कर देता है। जॉन्थनी व्रेची 19 साल का है जब उसके पिता खुद को मौत के घाट उतार देते हैं। एक ग्राम कोवली के साथ एक रात के बाद एक रात आदमी की प्रेमिका और पहले से ही परिवर्तन चोरी, वह अपने पिता की राख लेने के लिए सुबह 5 बजे अपने बड़े भाई मिकल फाइल हिक्की के घर जाता है। पिछली सीट पर कलश के साथ वह फिर आत्मघाती अभियान पर चला जाता है। अस्पताल में जागने के बाद उसे एक वकील दिहाई देता है। चोरी की कार या मानसिक स्थापन के लिए जेल बाद वह बाद बाला चुनता है। वहां उनका कमरा छोटा और बहुत करीब बंजर है। बुधवार आने वाले दिन है जब उनके भाई आ सकते हैं। मनोरंजन कक्ष में एक टीवी कार्ड और ब्रिकल टीप ट्रैगल चाकू वह के रोगी हैं, इसीलिए स्वास्थ्य बोर्ड के नियमों के अनुसार केवल पैजामा पहनने के लिए मजबूर किया जाता है। डॉक्टर फिगर के साथ उनका एक सपाह में 3 समूह चिकित्सा स्तर होते हैं। वह रेली ट्रेवल वैसी जोनत जैक्सी निक ड्रॉमी स्लेभाग से मिलता है और लैशी मार्गल वह राचेली में रोमांटिक रुचि की आवाज़ उठाता है, लेकिन वह पहले स्त्री को जल्द छोड़ देता है। रहल उसके पिछले चलकर उसे थप्पड़ मारती है क्योंकि वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। वे रेसलिंग खेलना शुरू करती है, लेकिन शुरुआत जाते हैं जब वह गलती से उनके मुंह पर जोर से मारती है और खून खींचती है। जॉन्थनी अपने खून होठों की देखभाल करने के लिए टॉयलेट में आ जाता है और रेहल उसका पीछा करता है और खून से बाहर आ जाता है। इसके लिए वो गले पर छाती पर लगती है। जॉन्थी परेशान है लेकिन उत्साह है। उसके बाद वह टोवी से दोस्ती करता है जो लगता है कि रहल पर भी क्रश है। डॉक्टर फिगर के साथ के बाद के चिकित्सा स्तर भावनात्मक एक है, लेकिन वह रोगियों से नए साल की पूर्व संध्या से पहले खुद को न मानने का संकल्प लेने के लिए कहता है। टॉमी के साथ जॉन्थनी की दोस्ती तब खत्म होने लगती है जब वे रास्ते में एक साथ एक पक में चुपके से जाते हैं। कमरे में लौटने के बाद जॉन्थनी आश्चर्य है कि राहेली वहाँ उसका इंतजार कर रही है। जब वह उसके ऊपर लेट होते हैं, राहेल सिगरेट के डिब्बे में छिपा हुआ एक रोजर यौनी उत्तेजन तेज हो जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको किनारे पर मूवी के बारे में बताती हूँ। इन इट द एक
2001 की अपराहिक फिल्म है जिसे जॉनी कारिन द्वारा सहलिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें श्लेनिन विर्जल ट्रेफल वैसी जोथन जैक्सन और स्टीफन री ने अभिनय किया है। नाटक एक आत्महत्या युवक है डेवलिन मनोरोग अस्पताल में उसके रहने की कहानी कहता है जहां उनकी मुलाकात नए दोस्तों से होती है जो उसके जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। निर्देशित जॉनी कॉनर द्वारा लिखित जॉनी एनी आर्थक्लिप्टी एंथ्री लेपन जीमा श्रेडिनर अभिनीति श्रेणी मफर ट्रेफियर ब्रेसी जॉनत जैक्सन स्टीफरी प्रोड्यूसर कंपनी एलेशी किंची प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा वितरित योनिक फेकोस योनिक वर्स स्टूडियोज होगन वीडियोज रिलीज की तारीख 2001 कार्यकारी समय 86 मिनट बोली अंग्रेजी 24 घंटे के अंतराल के भीतर जोथन ब्रेजी मैफ्री अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होती है ऊंची हो जाता है एक कार चुराता है किसी और की प्रेमिका को उठाता है और उसे सड़क के किनारे फेंक देता है और फिर खुद को एक चट्टान से हटा देता है। एक टूटी हुई उंगली से ज़्यादा कुछ नहीं झेलने के कारण उसे या तो जेल में एक जादू का सामना करना पड़ता है या एक मनोरोग अस्पताल में रहना पड़ता है। वह खुद को डग फेगर रिगाओ की देखरेख में रखता है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह वहाँ छुट्टी मांगने आया है मूल्यांकन के लिए नहीं लेकिन जैसा कि जोशन अग्नी से डॉक्टर फिकर के थेपरे स्त्रों में भाग लेने के लिए सहमत होता है और साथ ही रोगियो रेचल वैसी और टेवी जैक्सन के संपर्क में आता है वह जीवन पर अपने दृष्टिकोण पर पुनर्जीवित करना शुरू कर देता है। जोथनी ब्रेची 19 साल का है जब उसके पिता खुद को मौत के घाट उतार देते हैं एक ग्राम कोवली के साथ एक रात के बाद एक रात आदमी की प्रेमिका और पहले से ही परिवर्तन चोरी वह अपने पिता की राख लेने के लिए सुबह 5 बजे अपने बड़े भाई मिकल फाइल हिक्की के घर जाता है। पिछली सीट पर कलश के साथ वह फिर आत्मघाती अभियान पर चला जाता है। अस्पताल में जागने के बाद उसे एक वकील दिहाई देता है चोरी की कार या मानसिक स्थापन के लिए जेल बाद वह बाद बाला चुनता है। वहां उनका कमरा छोटा और बहुत करीब बंजर है। बुधवार आने वाले दिन है जब उनके भाई आ सकते हैं। मनोरंजन कक्ष में एक टीवी कार्ड और ब्रिकल टीप ट्रैगल चाकू वह के रोगी है इसीलिए स्वास्थ्य बोर्ड के नियमों के अनुसार केवल पैजामा पहनने के लिए मजबूर किया जाता है। डॉक्टर फिगर के साथ उनका एक सपाह में 3 समूह चिकित्सा स्तर होते हैं वह रेली ट्रेवल वैसी जॉनथ जैक्सी निक ड्रॉमी स्लेभाग से मिलता है और लैशी मार्गल वह राचेली में रोमांटिक रुचि की आवाज़ उठाता है लेकिन वह
पहले स्त्री को जल्द छोड़ देता है। रहल उसके पिछले पिछले चलकर उसे थप्पड़ मारती है क्योंकि वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। वे रेसलिंग खेलना शुरू करती है लेकिन शुरुआत जाते हैं जब वह गलती से उनके मुंह पर जोर से मारती है और खून खींचती है। जॉन्थनी अपने खून होठों की देखभाल करने के लिए टॉयलेट में जाता है और रेहल उसका पीछा करता है और खून से बाहर आ जाता है। इसके लिए वो गले पर छाती पर लगती है। जॉन्थी परेशान है लेकिन उत्साह है। उसके बाद वह टोबी से दोस्ती करता है जो लगता है कि रहल पर भी क्रश है। डॉक्टर फिगर के साथ के बाद के चिकित्सा स्तर व्यवनात्मक एक है लेकिन वह रोगियों से नए साल की पूर्व संध्या से पहले खुद को न मानने का संकल्प लेने के लिए कहता है। टॉमी के साथ जॉन्थनी की दोस्ती तब खत्म होने लगती है जब वे रास्ते में एक साथ एक पक में चुपके से जाते हैं। कमरे में लौटने के बाद जॉन्थनी आश्चर्य है कि रहली वहां उसका इंतजार कर रही है। जब वह उसके ऊपर लेट होते हैं राहल सिगरेट के डिब्बे में छिपा हुआ एक रोजर यौनी उत्तेजन तेज हो जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।